पर अटक गई जवानी में, डांस शो क्या जीत लिया, साले अभी तक नचा रहे मुझे। और अर्चना तुझे तो पता ही होगा ना कि आज करवा चौथ है, देख तेरे लेके आ लाई मैं। अरे कमक तुम्हारी, मैं भी किससे पूछने लगी, मर्दों को कहाँ ध्यान रहता है इन सब बारे में। अच्छा वैसे पिछली बार तूने परमीत के लिए रखा था ना व्रत, पिज्जा बर्गर वो जो क्या होते हैं लंबे लंबे वेजीज खा रही थी। मैं से पूछी क्यूरी क्या खा रही तू, तू कहने लगी कि फास्ट फूड फास्ट के दिन नहीं खाऊंगी तो कब खाऊंगी। जरा देखो सूरज डूबा के नहीं। अरे ये जवानी है दीवानी है, लुक मेरी रानी, आँख मेरी रानी, कौन जाना है मुड के। ये जवानी है दीवानी है, लुक मेरी रानी है। खासो और खासो, कितनी बार कहा है इस उम्र में नाचा मत करो। ना इस उम्र में कुछ करने देती है ना उस उम्र में करने दिया। तभी अभी तक हमारे दो बच्चे हैं। दो नहीं है तीन है। अरे ये तीसरा कब हो गया? याद है बारिशों के दिनों जब हुआ था। अरे वो मेंढक साला। मेंढक ना है वो, बच्चा है हमारा। अरे शक्ल तो साले की मेंढक जैसी है ना। बात सुन, अकेले में कभी मेरा वेट नहीं करती, इतनी पब्लिक के सामने क्यों वेट कर रही है? अरे आज स्पेशल ओकेजन है, मैंने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है और सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। खाएगी कैसे बुढ़िया जब उठे ही शाम के 4 बजे हैं। अरे वो कमबख्त बियर पी के कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। और एक ही बियर में अर्चना चढ़ गई मुझे ऐसी। आए आए। जवानी तुझे अब तक नहीं चढ़ी, बियर तुझे एक ही चढ़ गई है। ज्यादा मत बोलो जी, जवानी नहीं चढ़ती तो तीन तीन बच्चे कैसे होते। ए, तीन बच्चे तेरी जवानी की वजह से नहीं हुए, ये तो मेरे रोमांटिक होने का रिजल्ट था ये। चाचा बकवास बंद करो और जरा देखना सूरज डूबा के नहीं। आए नहीं डूबा, मुझे लेकर ही डूबेगा आज। कमबख्त सुबह से कुछ खाया नहीं, मर गई मैं। मैंने कौन सा खाया सुबह से कुछ? हाय सच्ची अर्चना, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। अबे प्यार व्यार कुछ नहीं, मेरे दांत नहीं मिल रहे सुबह से, कहाँ रखे मैंने। तेरा तो सुबह से मैंने ना तेरे जो दांत है ना ब्रश करके तेरे उठने से पहले ब्रश करके रख देती हूँ। देख ले शेखर कितना बुढ़ा हो गया हूँ मैं, नकली दांतों में से भी दो टूट गए। किधर लगाऊं मुंह में तो लगते नहीं, बगल में लगा लेता हूँ मैं। देखा कितना ध्यान रखती हूँ मैं तुम्हारा, और तुम्हें तो जरा सी भी फिकर नहीं मेरी। फिकर करूँ तेरी मैं? मुंह पे झुर्रियां देखी अपने, फिकर क्या तेरा तो जिक्र करने का दिल नहीं करता मेरा। आई बड़ी है आज तो ताने ना दो, लंबी उम्र के व्रत रखा मैंने। एहसान किया क्या लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है? और तुम औरतें जितना मर्जी व्रत रख लो, मर्द मरते साले हम ही है पहले। एक तो साला यमराज भी लेके नहीं जाता इसे, 2 बार लेने आया, रो रो के बोलती तेरी माँ की उम्र की है, मुझे मारेगा तू? तो इमोशनल होके और 6 साल बढ़ा गया इसकी उम्र। अरे मर जाऊंगी जब मरना होगा। शादी से पहले मेरे सपनों का राजकुमार हुआ करता था जानी, और अब अशोक कुमार बन गया है, मेरा कान फाड़ दिया। तो इस उम्र में खांसी नहीं तो क्या गड्ढे आएंगे? अब तो गड्ढे लाने का दिल भी नहीं करता, ऐसी शक्ल हो गई है इसकी। अरे तो मैं ले आऊं क्या? अरे गड्ढा आ गया, गड्ढा आ गया। शर्म नहीं आती तुझे इस उम्र में गड्ढे ला रही है तू कमबख्त? अभी उम्र ही क्या हुई मेरी। मैं पता है मैं माँ बनने वाली हूँ। किस उम्र में माँ बनेगी तू? क्यों जब वो बच्चा इस उम्र में पा बन जाता है, मैं क्यों नहीं बन सकती माँ? है उसे तो इस उम्र में प्रोड्यूसर मिल गया था, तुझे कौन सा प्रोड्यूसर मिला इस उम्र में है?
देखना जरा चांद निकला के नहीं। चांद निकलेगा भी कैसे, और निकलने को आता है तेरा मना करता हुआ मुंह देख के फिर झुक जाता है वो। मुझे तो साला करवा चौथी फर्जी लगता है ये। शेखर बेटा, ये जो अंग्रेज औरतें हैं ये कहाँ रखती हैं व्रत जैक और जॉन के लिए रखती हैं? और वो साले कहाँ मरते हैं? उल्टा बुढ़ापे में पटाया जाके और एंजॉय करते हैं वो। तुम्हारी लंबी उम्र इस करवा चौथ की वजह से हुई है, दमा की प्रॉब्लम जो खांसते रहते हो वो भी इसकी वजह से सही हुई है। अच्छा हाँ। तो ये जो डॉक्टर दमे के मरीजों का इलाज करते वो क्या करवा चौथ रखते हैं साली? पहले से इतनी बीमारियां हैं। करमजले हजार बार बोला है मेरे भाई से इलाज करा लो। मारूंगा तेरे मुंह पे कुनी। तेरे भाई की वजह से ये हाल हुआ है, पहले तो मुझे सिर्फ खांसी जुकाम हुआ करता था, अब तो साला 300-300 ग्राम शुगर निकलती है। इसका भाई इतना फर्जी डॉक्टर है, कमबख्त मारा एक्सीडेंट लेके कोई इलाज करवाने गए बंदे दो लेके, एक्सीडेंट हुआ बचा ही नहीं पाया, ऊपर से कमीना कह रहा है एक घंटा पहले ले आते तो बचा लेते। अभी साली जब एक्सीडेंट ही 15 मिनट पहले हुआ, एक घंटा पहले क्या खुद मार के ले जाते? ये कमबख्त चांद निकल क्यों नहीं रहा, थक गई मैं। चांद कैसे निकलेगा, वो तो खुद सोच रहा है ऐसी कॉमेडी करके बुढ़ी अब तक क्यों नहीं निकली बाहर। चांद निकल गया, चांद निकल गया। आए, अगर चांद नहीं निकलता तो क्या करती थी बुढ़िया? अरे चांद नहीं निकलता तो क्या हुआ, मैं ऐसे ऐसे करतब करती हूँ आज खाऊं। क्या कर लेती है तू? देख, जलती हुई मोमबत्ती से ऐसी जल जा कमबख्त में। देख, जलती हुई मोमबत्ती से मैं ऐसे चांद निकाल देती, चांद तो कुछ नहीं ये कपड़ा भी निकाल दूंगी। ये देख, ये क्या है? ये आरती की थाली है जी। आरती की थाली तू ले आई, वो करवा चौथ कैसे तोड़ेगी? छोड़ो जी, ये देखो ये क्या कर रही है। अरे छन्नी में ना चंदा को देखकर अपने पति को देखते हैं सारे। हाय हाय, कौन है हैंडसम? दिल करता है मुक्का मार के तेरी गर्दन तोड़ दूं मैं। साली पिछले 5 मिनट से मुंह साफ कर रहा हूँ, जरा सा चिकना लौंडा देख के तेरी छन्नी उधर घूम गई। मारूंगा तेरे रखे में। मीठा कर लो। अरे मिठाई में क्या खाऊं, पहले से शुगर रख इसको। और मेरी लाडो, मुंह मीठा करने के लिए मिठाई की जरूरत ना आवे, मेरे को देख पप्पी दे दे, ऐसे मुंह मीठा आ जाएगा। इतना रोमांटिक होने की जरूरत ना है, चौथा ना करनी मैं। चल खाना खिला, भूख की मर गई सुबह से। ले खा ले खाना, ये ले खिला। सीधा रख, मुंह नाक में घुस जाएगा, अच्छी रहेगी। ये ले खा ले। मर जा। पहले साफ करने से नई साड़ी है। शेखर बेटा, पिछले 35 साल से कह रहा हूँ मैं, तेरा हाथ का बना हुआ खाना जहर है, मानती नहीं थी साली, आज मान गई तू। ये औरतें समझती है यही अपने पति के लिए करवा चौथ रखती, हम कुछ रखते नहीं क्या? ये देखो LIC की पॉलिसी रखी है, पूरे 15 लाख मिलेंगे। 15 लाख? क्या कहा 15 लाख? दो कंगन बना दे सोने के। तेरा बेड़ा गर्क, फिर रास्ते से वापस आ गई तू है? दो कंगन क्या यमराज के बेटे के बर्थडे पे जाएगी तू? मरती नहीं तू। तुम तो यही चाहोगे ना कि बुढ़िया मर जाए। आए आए, मेरी लाडो गुस्सा क्यों कर गई है? मैं तो मजाक में बोल रहा था, बुढ़ी नहीं है तू। अरे तेरे लिए तो एक लाइन कहूँ मैं, आए मेरी जोहरा जबी, तुम्हें मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मेरी जोहरा जबी, तुम्हें मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। आए
अब नंबर भी मांग लो। इस बूढ़े कपल को क्या जवान कमेंट्स देंगी अर्चना जी? मेरे आज के एपिसोड का जादू का पिटारा जाता है आपको। आई थिंक यू हैव डन अ फैबुलस जॉब। इतनी बढ़िया बुढ़िया मैंने नहीं देखी। आई हैव टू से दिस कि कपिल, आज मुक्ति आप पर छा गई, आपको खा गई। मुक्ति, यू वर सिंपली आउटस्टैंडिंग एंड दिस इज थैंक यू सर, थैंक यू। और आपका प्रदर्शन जो था, आपका जो अभिनय था, कई शामों का सबसे बेहतरीन अभिनय था, उसके लिए आई थिंक यू नीड अ स्टैंडिंग ओवेशन। कपिल आज वहीं थे जहां वो अक्सर होते हैं, आप थोड़ा और ऊपर हो गए। थैंक यू सर, थैंक यू। बढ़िया कमेंट्स के बाद बढ़िया स्कोर्स। अर्चना जी, इस हसीन बुढ़िया के लिए ये हसीन बढ़िया स्कोर्स। शेखर जी, वंस अगेन 10 पॉइंट।